आप उड़ गए हाई रुक जा अच्छा राइट प्रोफाइल इज बेटर थोड़ा साइड इधर आ जाइए वो बैलून थोड़ा गंदा बस जब तक उधर कौन सा पहले आप कौन थोड़ा सा पीछे ले लीजिए बोला है मुझे उन्होंने बाल ऐसे करने के लिए इसको बहुत प्रॉब्लम है मेरे बाल ऐसे होते हैं ना इसको चाहिए सारे खड़े बाल चाहिए मुझे लुक सेंटर या ऑन द लेफ्ट ऐसा कर वहां से देखना शुरू कर ऐसे जाते हैं ठीक है थोड़ा पुराना स्टाइल वो मिलेगा नाम का तुम्हारा फ्लिक हो रहा लाइक इसका लाइट ब्लिक है यहां पे देख ले नाम का हां मिस्टर नाम का मैं इसको नहीं देख ये मेरे बाल देख रही है नाम का फ्लिक हो रहा है नहीं नहीं गुड टू सी यू मायरा बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहां इतने लंबे अंतराल के बाद पहुंचे एयरपोर्ट पे कल हम आपको हमारी टीम रिसीव करने गई हाँ. यहाँ हम आपके सामने रूबरू हैं हाँ. पैर में चोट लगी सबसे पहले जानना चाहूंगा क्या हो गया पैर ये मुझे मुंबई ने वेलकम किया ये वेलकम है और जो चाहते नहीं थे मैं मुंबई में आऊं उनका वो है चाह तू मर तो वो है पर कोई बात नहीं जिंदगी ने बहुत दर्द दिया ये दर्द बहुत कम है चुप्पी बनाए रखे और वही पास के साथ हाँ जी नहीं अलग अलग अच्छा क्या किस बारे में बात कर रहे हैं आप क्या शूट अभी जो किया एड शूट था क्या एड शूट था कलश का अभी बता सकते हैं क्या आउट वी नो आई डोंट नो एड था बस एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस शूट का जितना भी शूटिंग हुई तो उसका कैसा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि एक डायलॉग के साथ परफॉर्म करना हमेशा अच्छा लगता है और म्यूजिक वीडियोस में तो आप सिर्फ एक्सप्रेशन देते हैं जब आपके पास डायलॉग्स होते हैं तब आपके पास कुछ बोलने को होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है शूट करके और ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरी अपनी टीम है यहाँ पर मुंबई में सो या एंड यू नो हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं सिंगल वीडियो ढेरों सारे आ रहे हैं लोग बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं सो क्या ये वो वजह थी कि मुंबई में लैंड करते ही शूटिंग की प्लानिंग थी ऐसा कुछ नहीं ये इस शूट की वजह से ही हम मुंबई में आए थे तो और वीडियोस को लोग पसंद कर रहे हैं अच्छा लग रहा है कि मेहनत करते तो लोगों को पसंद आती है बट मे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड हम अभी सॉन्ग्स ही कर रहे थे तो मे बी जल्दी कुछ और करें बड़ा अपने फैंस को दें एंड हम देख रहे हैं कि बिग बॉस की शुरुआत हो चुकी है सो कितना फॉलो कर पाती हैं माहिरा जी बिग बॉस को इस बार से इस सीजन को मैं ऑनेस्टली से मैंने सिर्फ दो एपिसोड देखे हैं प्रीमियर था जब तो दो ही देखा और दो में ही सिद्धार्थ और गौहरी दिखे मुझे ज़्यादातर सो बाकी मैं एपिसोड देख नहीं पाई तो हम ऐसा माने कि इस बार का जो बिग बॉस है उसमें जो सीनियर हैं सीनियर और फ्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है तो सीनियर है वो क्योंकि आपने भी बताया कि मुझे सिर्फ सिद्धार्थ और गौरव गौहरी दिखाई दिए तो सीनियर का ही दबदबा है इस सीजन में मतलब अभी तक तो ये लग रहा है बिकॉज क्या होता है ना बिग बॉस एक मतलब ऐसा गेम है जो हर टाइम पलटता है जैसे हमारा चार वीक में पलटा था इस बार दो हफ्ते में पलट रहा है तो अभी तो 14 डेज के लिए तो वो ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर में वही आते हैं लाइक एक दो कंटेस्टेंट और दिखाई दे देते हैं बट मे बी आफ्टर टू वीक गेम चेंज हो जाए तो अभी तक तो सीनियर का दबदबा दिख रहा है मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है सीनियर एंड फ्रेशर इसे कैसे देखती हैं आप मानती हैं कि ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए था क्योंकि सीनियर ही सीनियर दिखाई दे रहे हैं जैसा कि आपने कहा हम देख रहे हैं फ्रेशर तो मतलब सिर्फ उन्हें फॉलो कर रहे हैं आप बताइए पता क्या है जैसे लाइक ये बिग बॉस सीजन 14 आया है 13 को गए एक साल हो गया लेकिन अभी भी वो गया नहीं है लोग अभी तक भूल नहीं पाए उस चीज को वो हाँ कोई बात नहीं मैं को आंसर भूल जाऊंगी अपना इतना
मैं इसे आंखों से ही देखती हूँ. सीजन 14 आ चुका है लेकिन 13 अभी तक लोग भूले नहीं है. अभी तक वो कंटेस्टेंट जिस जिसके भी जो जो फेवरेट्स हैं चाहे कोई भी कंटेस्टेंट रहे वो अभी तक सिर्फ उन्हीं को मिस करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं. तो वो उनके जहन से भी चीज़ गई नहीं है. तो सीजन 14 भी आ गया. एक तो ये कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें हो नहीं पाई और सब लोग घर पर ही थे. अब जब धीरे धीरे काम करने के लिए निकल रहा है लेकिन फिर भी लोग 13 को मिस कर रहे हैं. इसीलिए बिग बॉस ने हमारे सीनियर्स को लाया ताकि सिद्धार्थ अगर है या मतलब गौहर है तो वो सीज़न पुराना वाला मिस ना हो. अभी वो चीज़ मतलब रहे कि हाँ भाई ये है. 14 डेज वो रहेंगे, जब वो निकल जाएंगे फिर देखेंगे हम 14 वाले क्या करते हैं. 13 का अभी भी है, 13 ही लग रहा है मुझे बिग बॉस. दबदबा है. सो आप मानते हैं कि ये जो सीनियर्स हैं इन्हें अब जल्दी घर से जाना चाहिए जिससे जो फ्रेशर हैं वो अपने रियल अवतार में आ सके, अंदाज में आ सके? पता क्या है, अगर सीनियर्स चले भी जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जिसने अपने आप को दिखाना है वो दिखा रहे हैं अभी भी, मतलब सीनियर्स के होते हुए भी दिखा रहे हैं. और अगर सीनियर्स चले जाएंगे जो अभी तक नहीं दिखा पाए वो तब क्या दिखा देंगे. अब तो इतने दिन हो गए, मतलब आई थिंक 1 वीक चला गया. तो वो जो जिन कंटेस्टेंट में है वो दिख रहे हैं अभी भी. अब देखते हैं न्यू एंट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं. तो है ऑलराइट. एंड जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें से अगर मैं बात करूं कि आपका सबसे फेवरेट कौन है या आप मानती हैं कि हाँ ये लास्ट तक जाने वाले हो सकता है ये विनर भी हो जाए आपके अनुसार, मायरा के अनुसार? मैंने सिर्फ 2 एपिसोड देखे और 2 एपिसोड में किसी को जज करके नहीं मैं बोल सकती कि हाँ भाई ये जीतेगा. बट मुझे पर्सनली अगर कोई मुझे देख के थोड़ा मतलब अच्छी लगी कि हाँ भाई, तो मुझे जैस्मिन पसंद आई. अब लेट्स सी के यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है आगे. हाँ एंड अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी धीरे धीरे चालू होने की अब आने वाली है. सो आप बताइए कि आपके अनुसार सबसे पहले बिग बॉस के घर से हाई. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा मेरी तरफ से देना क्योंकि मैंने 2 ही एपिसोड देखे तो मुझे पता नहीं है कि कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है और कौन कम अच्छा कर रहा है. तो मैं ये बोल नहीं सकती. अब जो डिजर्व करता वो रहेगा, जो नहीं करता उसको निकाल देंगे. और ओके, जब हमने आपको बिग बॉस के घर में देखा तो एक अलग ही अंदाज था. इस बार तो ऐसा लग रहा है कि लोग इसे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, ये करना है ऐसा नहीं करना. लेकिन आप लोग थे मुझे ना पता क्या लगता है, जैसे पिछले सीजन थे वो भी अच्छे रहे हैं लेकिन हमारा सीजन सबसे हिट रहा है. तो हम लोगों ने किसी को कॉपी नहीं किया या हमने ये ट्राई नहीं किया कि हम ये चीज़ करेंगे. हम देख के नहीं गए थे कि हम ये करेंगे उसको वो करेंगे. इस सीज़न में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कॉपी चल रही है. तो वो जब जहाँ कॉपी आ जाती है ना वहाँ पर लोग इंजॉय नहीं करते. जहाँ पर ओरिजिनल चीज़ें होती हैं ना कि भाई अपनी तरफ से कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा व्हाटएवर, मस्ती प्यार क्यूटनेस व्हाटएवर, वो जब रियल होता है ना तो लोग कनेक्ट करते हैं. जब लगता है ना कॉपी है तब कनेक्ट नहीं करते हो, तब अच्छे भी नहीं लगते हो. तो ये रीज़न है. It means you're saying it, the current season is fake. Yeah, copy. साउथ फिल्म है हमारी ओरिजिनल, ये इंडियन फिल्म है कॉपी. I'm just kidding, दिल पे मत ले लेना. दिल पे बहुत जल्दी ले लेते हैं हम लोग. मायरा क्या मानती है कि बहुत कामयाब रहा, जब मैं व्यूअरशिप की बात भी करता हूं ना, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिग बॉस का इतिहास रहा है 13 की जब हम बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि मार्क वो लोग छू पाएंगे जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है? बहुत यू नो जैसे आप कह रहे हैं और जैसे लोग ऑडियंस को भी समझ में आ रहा है, लोग बड़ा प्लान करके आए हैं कि जी ऐसा करेंगे. प्लानिंग तो नहीं होती ना बिग बॉस में, तो इस तरह से क्या ये मार्क अचीव कर पाएंगे या क्या तोड़ पाएंगे वो रिकॉर्ड जो आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही बोल दूं नहीं. इस पर जिसको जो बोलना है बोलते रहे क्योंकि नहीं हो पाएगा. 13 में ओरिजिनल चीजें थी, 14 में कॉपी चीजें हैं. 13 को कोई भी सीजन छू नहीं पाएगा क्योंकि 13 टेढ़ा था, सीन नहीं पलटा था. ये भी अच्छा है बट कंटेस्टेंट हमारे जो थे वो हर एक चाहे कोई भी कंटेस्टेंट हो, एक एक लाइक कंटेस्टेंट अपने अपने मतलब उनका अलग अलग बिहेवियर था, अलग नेचर था, अलग एक पर्सनालिटी थी. इस सीज़न में मुझे तो पहले ऐसा लगा कि सब मतलब मैक्सिमम लड़कियां छोट किड प्ले कर रही हैं लाइक हाँ नहीं वो तो. बट मुझे पता है हमने देखा है उन्हें वैसे नहीं है. फिर धीरे धीरे करके अब सबकी पर्सनालिटी नज़र आ रही है. अब जब वो अपनी पर्सनालिटी में रहेंगे ना तो अच्छा लगेगा हमें देखने को. कॉपी ना करेंगे तो मस्त जाएगा ये सीजन मे बी.
फॉर द बेस्ट. माहिरा जी को देखेंगे वाइल्ड कार्ड के जरिए एज एन गेस्ट. एज अ सीनियर यू नो, यू नेवर नो. सीनियर मे बी, आई डोंट नो येट. ओके, व्हाट एल्स इज देयर इन द पाइपलाइन अपार्ट फ्रॉम दिस? पाइपलाइन में अभी तो हैं, अच्छी चीज़ें हैं. अभी तो मेरे काफ़ी म्यूजिक वीडियोस जो आने वाले हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो मेरा अभी दो तीन दिन पहले ही सॉन्ग आया वो अभी ट्रेंडिंग वन पे और दो दिन में 10 मिलियन क्रॉस हो चुका है. और आगे भी काफ़ी सॉन्ग्स है और वेब सीरीज भी है और एक फिल्म भी है जो नेक्स्ट ईयर में भी. सो होप फॉर द बेस्ट. आप कितना मिस किया मुंबई को? गुड टू सी यू यस्टरडे. है ना, आप एक 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 काफी लंबा वक्त हो गया कोरोना वगैरह ये सब था, और कल एयरपोर्ट पे भी मैंने देखा बहुत फैंस वगैरह आगे पीछे. जी जी जी, अच्छा लगा इतने टाइम बाद कि मैं मुंबई आया, क्योंकि कोरोना था तो मैं चंडीगढ़ चला गया था. वहाँ पर जाके मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, म्यूजिक लेबल खोला है, और वी आर मेकिंग म्यूजिक वीडियोस, और म्यूजिक वीडियो में हम काम भी कर रहे हैं. तो अभी शूट मुंबई में हमको मिले हैं दो तीन, तो हम वही कंप्लीट करने आए हैं. तो कल जब एयरपोर्ट पर आए थे तो काफ़ी फैंस मिले, और मुंबई में जब आपको फैंस पकड़ते हैं तो सीरियसली मतलब आपके ऑल ओवर फैंस हैं, क्योंकि मुंबई में इट्स वेरी कॉमन कि आपको कोई भी स्टार कहीं पे भी दिख जाता है. तो यहाँ पे भी अगर इतनी फैन फॉलोइंग है तो यू नो आई एम फीलिंग ग्रेट कि यार हर जगह इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग मी एंड माहिरा फर्स्ट ऑफ कोर्स. या अरुण गोविल साहब पूछिए, जितना आपकी हमने सुना कि सिंगल एल्बम है, म्यूजिक एल्बम है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर कुछ बता सकते. अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, मतलब पीपल आर लविंग इट. या सी, तो अभी हम जो म्यूज़िक वीडियोस कर रहे हैं वो तो आपके पास धीरे धीरे आती जाएंगी, पर जो हमारे प्रोडक्शन की, जो मेरे प्रोडक्शन कुबेरा सीरीज़ की जो आएगी म्यूज़िक वीडियो, वो नवंबर में आएगी. उसके बारे में मैं अभी बताना चाहूँगा. वो गाना ऑलरेडी वायरल है, तो उसके अब जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाना कौन सा है. और गाने में मैं और माहिरा बहुत ही अलग लुक लेके आए हैं. माहिरा कैसीनो में लहंगे में आई है. कैसीनो में कौन लहंगे में जाता है? कोई नहीं, पर हमारी माहिरा गई है. और जैसे कि माहिरा ने गाना किया था मैनू ले दे महंगा लहंगा ले जानिया, और एक उसका गाना था कि तेरे लहंगे में हीरे जड़वा दूंगा, तो मैंने उसके लहंगे में हीरा भी जड़वाया और महंगा ही लहंगा लिया. कितना महंगा लिया मैं ये नहीं बताऊँगा, कितना महंगा लिया कि लाखों में लिया, पर लहंगा बहुत ही महंगा. और उसके बाद जो मेरी लुक है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है रणवीर सिंह से. तो रणवीर सिंह आपको पता ही है, मैं उसको कॉपी तो करता ही हूँ. उसके जैसे कपड़े पहनना चाहते हो, क्योंकि वो जो कपड़े पहनते हैं इस लाइक वो डिफरेंट होता है थोड़ा, जो कि वरना नॉर्मल लड़के क्या पहनते हैं, टी शर्ट शर्ट जीन्स पैंट्स कोट इतना ही. तो मुझे इतने में मेरा पेट नहीं भरता, मुझे इतना चाहिए. तो रणवीर सिंह क्या है, उसके पास बहुत सारे यू नो कपड़े हैं पहनने के लिए, तो उसको मैंने कहीं ना कहीं मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, इसलिए मैंने वैसी लुक रखी. It also remind me of Deepika Padukone of Ramlila and the way, you know, Ranveer Singh have dressed up in Ramlila. जी जी जी. क्या वो ही concept होने वाला है? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये रामलीला वाला concept नहीं है, ये बहुत ही अलग concept है. जब आप देखोगे तो आपने लुक शायद देखी होगी, लुक तो मैंने रिवील कर दी है उसको. वाइट टाइगर प्रिंट है, लोग उसको जेबरा प्रिंट बोल रहे हैं. इट्स नॉट जेबरा, इट्स टाइगर प्रिंट, वाइट टाइगर प्रिंट, और वो टाइगर की ही लुक है. बिग बॉस को दूसरा बिग बॉस भी आ गया, बिग बॉस 14 मुझे लग रहा है कल की बात है. जब हम एंट्री कर रहे थे तो मेरे दिमाग में वही चलता रहता है, और जो हमने वहां पे जर्नी निकाली है 4.5 महीने, लगता ही नहीं कि वो यू नो एक साल पुरानी बात है, ऐसा लगता है कि कल की बात है. तो अच्छा लगता है सोच के, लेकिन अभी बिग बॉस 14 शुरू हो चुका है. तो मैंने बिग बॉस 14 के सिर्फ स्टार्टिंग के 2 एपिसोड देखे, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था. तो बिग बॉस 14 में जो मैंने देखा है अभी तक, वो सिर्फ यही देखा है कि शुक्ला ही चमक रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस 13 ही चल रहा है, बस वहाँ पे शुक्ला की जगह बाकी जितने कंटेस्टेंट सब हट गए हैं और वो ही चल रहा है. तो थोड़ा सा मोनोटोनस है मेरे लिए, मतलब कि कुछ नया नहीं दिखा मुझे, क्योंकि बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं वहाँ पे 2 दिन में जो मैंने देखा, बाकी मुझे आगे का नहीं पता. जो मैंने देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला, हिना और गौहर, इन बच्चों को जो आए हैं नए कंटेस्टेंट जो आए हैं उनको डायरेक्ट कर रहे हैं बेसिकली. तो डायरेक्ट करना किसी को इज़ नॉट बिग बॉस. बिग बॉस इज़ इंडिविजुअलिटी. आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी होती है, आपको अपने बारे में दिखाना होता है कि आप कैसे हो. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मोनोटोनस लगा. और बाकी शुक्ला है वहाँ पे, तो वो अकेला ही एंटरटेन कर रहा है, तो इस वजह से हमने देख लिया. क्या क्या मानते हैं कि जो जो इतिहास बिग बॉस 13 ने रचा, उस सीजन ने रचा जी, उसको तोड़ पाना या उस तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल जी. बिग बॉस 13 में जो हमने कांड किए, और बिग बॉस 13 का जो TRP गया था, और बिग बॉस 13 जो इतना फेमस हुआ था, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई भी सीजन उसको तोड़ पाएगा.
पर मैं चाहूंगा कि बिग बॉस हमेशा हिट जाए, क्योंकि मेरा फेवरेट शो है, मुझे सब कुछ बिग बॉस नहीं दिया है, आज की डेट में मैं जो हूँ वो बिग बॉस की वजह से हूँ, लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं और जो मैं अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल पाया, तो मेरी यही प्लानिंग भी मेरी यही थी कि मैं बिग बॉस के बाद अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको दोगे तो वो आपको देगा, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो यू वॉन्ट गेट एनीथिंग, आप बिग बॉस को नाश मार रहे हो। तो उससे ऐसा होता है कि आगे आने वाले कंटेस्टेंट्स एक्टर्स जो होते हैं वो भी सोचते हैं कि क्या यार बेकार था लास्ट सीजन, इस सीजन हर कोई खुशी खुशी गया होगा कि मैं बिग बॉस जाना, बिग बॉस जाना, क्योंकि बिग बॉस 13 बहुत हिट गया था। अब बिग बॉस 14 अगर, मतलब भगवान ना करे ऐसा, क्योंकि मेरा बिग बॉस वालों से बहुत प्यार है, कलर्स वालों से बहुत प्यार है, मैं चाहता हूँ कि शो बहुत हिट जाए, पर जिस तरीके से कंटेस्टेंट अंदर खेल रहे हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझको। तो मैं, मेरी अगर अंदर तक बात पहुंचती है या फिर मैं अंदर जाता हूं तो मैं बोल कहूँगा कि शो को नाश मारने की जरूरत नहीं है, बेटर है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है शुक्ला की, हीना की या किसी की भी, गौहर की, तो आप उस पर बात करो, उस पर मना कर दो, आप वो करो क्योंकि वो आपका शो है अभी। तो मेरे हिसाब से हर कंटेस्टेंट को वहां पे अपने तरीके से खेलने चाहिए, दूसरों के तरीके से नहीं। पवित्रा ने बहुत कुछ कहा आपने। हाँ, मुझे पता चला कि पवित्रा बिग बॉस में अंदर जाने से पहले बहुत कुछ बकवास मार के गई। पहली बात तो उसका नाम बहुत गलत है, पवित्र 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 तो बिल्कुल भी नहीं है, अपवित्र होना चाहिए अगर होना चाहिए तो, नहीं तो। और ऊपर से जो वो बकवास मार के गई मेरे बारे में, उसने अपने आप को अंदर ही पहले दिन ही गलत प्रूफ कर दिया, जहाँ पे वो मुझको धोखेबाज बोल रही थी कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, उसने खुद ही अंदर जाके बोल दिया कि आई वॉज डबल डेटिंग पारस, तो किस टाइप की लड़की है वो। और ये बात तो मैंने कभी बाहर नहीं निकाली थी कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था, तो ब्रेकअप का रीज़न ही यही था कि डबल डेटिंग हो रही थी, प्लस शी वॉज मैरिड, तो जब शादीशुदा हो तो फिर रिलेशन में आने की ज़रूरत क्या है। आपने ये पवित्रा एक इंटरव्यू में बोल के गई कि पारस मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ऑफकोर्स तो मैं सबसे बड़ी तुम्हारी गलती था कि तुम शादीशुदा थे और शादीशुदा होने के बाद आप मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, तो ये सबसे बड़ी गलती थी। या राइट, तंबोली है वहाँ पे, तंबोली मुझे लग रहा है कि सिर्फ 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 कॉपी कर रही है वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट्स की, तो एक्स जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसकी कॉपी कर रही है, वो लोगों को पता ही है किसकी कॉपी कर रही है। और दूसरी वहाँ पे जैस्मिन है, तो जैस्मिन मुझे कहीं ना कहीं सेंसिबल लगी, उसकी जो, मतलब जैस्मिन भी जब एंटर करी थी बिग बॉस में वो भी मुझे लग रहा है कि वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट की यू नो कोशिश करी थी कॉपी करने की, लाइक बच्चा बनना या वो सब, तो वो ठीक था। मुझे, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था उसकी एंट्री से कि यार ये ऐसी तो नहीं है, क्योंकि जब बिग बॉस 13 में वो आई थी दो बारी एज अ गेस्ट, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी दिखाई थी। लेकिन फिर भी मैं जैस्मिन को गलत नहीं बोलूँगा, जैस्मिन जब अंदर गई तो उनका जो एटीट्यूड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हर चीज़ पे स्टैंड लेना, हर बात को बोलना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, तो मुझे लगता है कि जैस्मिन बहुत अच्छा कर रही है इस वक्त फिलहाल। एजाज को मैंने स्टार्टिंग के दो दिन देखा, मैंने देखा कि दिस गाय इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो सोशलाइज नहीं है, लड़कियों को छूता नहीं है, और फिर भी वो कोशिश कर रहा है थोड़ा सा, मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जो वो नहीं करता शायद वो कर रहा है, तो विच इज़ ग्रेट। तो उसको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए और अच्छा निकल के आना चाहिए। एक लव एंगल निकल रहा है एजाज पवित्रा के बीच में। अगर ये लव एंगल निकल रहा है तो मैं एजाज भाई के लिए प्रे करूंगा कि यार इसकी जिंदगी सही रहे, वरना ये बंदे की तो जिंदगी झंड होने वाली है अगर इस लड़की के साथ रहा तो। ये पवित्र से अपवित्र तो ये लड़का हो जाएगा हमारा, इतना अच्छा लड़का है एजाज, और हमने उनको पहले भी देखा है टीवी पे और काफी अच्छा काम करते हैं, काफी नोन है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जान कुमार सानू, राहुल वैद्या। राहुल वैद्या इज अ ग्रेट सिंगर, हमने उनको इंडियन आइडल में देखा हुआ है, और मैं राहुल वैद्या को भी ये कहना चाहूंगा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था जहाँ पे वो उसी अपवित्र के साथ बैठ के बात कर रहे थे, और वो बता रही थी कि यू नो मैं ऐसी लड़की हूँ जहाँ पे कि अगर मेरा पार्टनर कहीं बाहर मुंह मार के आ रहा है लेकिन घर पे जब बेल बजा रहा है तो वो सब कुछ बाहर छोड़ के आए। और उसने बोला वाह यार लड़का कितना लकी होगा, उसने मुझको भी सेम लाइन बोली थी, मैंने भी यही बोला था कि वाह यार लड़का तो बड़ा लकी होगा, पर वो जो वो बात बोली थी ना कि मेरा पार्टनर ऐसे करे तो आई हैव नो इश्यूज, एक्चुअली में वो बात अपनी करी थी कि बाहर जितना मर्जी कुछ करके आए लेकिन गेट पे आऊंगी तो सिर्फ तेरी ही होंगी, सो दैट वाज अ थिंग, वो अपने लिए बात करी थी दूसरों के लिए नहीं। ओके, व्हाट एल्स इज हैपनिंग अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस, आप शूट के लिए भी यहां आना शुरू हो गए हैं? हां जी। और क्या
जी तो हाँ जी तो बहुत ही जल्दी अभी तो मैंने म्यूजिक लेबल ऑन किया है, और म्यूजिक लेबल भी मैंने ऑन क्यों किया है क्योंकि किसी ने बोला था कि पारस में वो कैलिबर नहीं है, और वो किसी अगर वो देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि कैलिबर बेटा कितना है, तुम्हारे सामने ही प्रोडक्शन हाउस खड़ा करूंगा और तुम्हारे आगे ही आऊंगा, अब मैं एक्टर नहीं हूं, तुम्हारे जैसा ही हूं, तो कैलिबर इतना है मेरे अंदर। अभी तो मैं म्यूजिक वीडियोस बना रहा हूं, जनवरी फरवरी से मूवीज भी बनेंगी और वेब सीरीज भी बनेंगी, क्योंकि यही मेरा प्लान था। कितना कंट्रोवर्शियल हो गया भी है। चाहते अपने जो दर्शक हैं, जैसे हाँ। कि आपने बताया हमें बहुत ही हाँ। पे बहुत प्यार मिला, मैंने फाड़ दी पैंट, लेकिन फिर भी या एयरपोर्ट पे बहुत प्यार मिला, तो अपने फैंस के लिए जिन्हें काफी बेसब्री से इंतजार था आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, जी उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? तो अभी मेरे कम से कम 3 से 4 गाने रिलीज होने वाले हैं, और एक मेरे प्रोडक्शन का खुद एक गाना रिलीज होने वाला है जो कि बहुत वायरल है ऑलरेडी, सारे टिकटॉकर्स ने बनाई हुई है वीडियो। हाँ अच्छा, मैं फिर बताता हूँ, हमारे सारे टिकटॉकर्स ने, सारे इंस्टाग्राम वालों ने, सारा सोशल मीडिया ने वो गाने पे वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो फिर से बनाओगे तुम, नए तरीके से बनाओगे, इट्स ओके। एंड 2 वेब सीरीज हम करने वाले हैं, मेहरा और मैं, और फरवरी में, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी या फिर मार्च में हमारी मूवी भी स्टार्ट होने वाली है एक, सो होपिंग कि सब कुछ अच्छा जाए और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, और सभी फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्यार करो या नफरत करो, मैं आपको कभी अपने आप को भूलने नहीं दूंगा, आपके दिमाग में बसता रहूंगा। टन 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 टन। थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू।